3 लाख रेंट है ना, ऐसी चीज खोल रहे हैं ना कि कार से रिलेटेड ना सारा काम आपका, कोई भी हमने लोन वगैरह नहीं लिया, जो सेविंग्स है मैं बूटस्ट्रैप हमारा स्टूडियो इस पे भी हम काम स्टार्ट करेंगे, ये है हमारी सर्विस लेन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि फाइनली जो इतने महीनों की मेहनत है आज मैं आपके सामने रिवील करने वाला हूँ। आज हमारी ओपनिंग तो नहीं है, ओपनिंग की मतलब कि जिसे कहते हैं ना ग्रैंड ओपनिंग की एक सेपरेट वीडियो आएगी, बट आज फाइनली मैं रिवील करूंगा कि भाई इतने टाइम से मैंने पूरी अपनी एनर्जी कहाँ पे लगा रखी थी, कौन सा बिजनेस हम लोग ओपन कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतने टाइम से हमारे चैनल पे व्लॉग्स की क्वांटिटी बहुत ही कम हो गई थी। क्योंकि मेरा यही था, मतलब कि मेरा मानना यही था कि यार एक बार चीजें थोड़ी सेट हो जाएं। और आज की बात करें ना, अभी की बात करें, जो हमारा बिजनेस है जो मैं आपको अभी रिवील करूंगा उसमें काम अराउंड 80% हो चुका है, बट हाँ 20% रह चुका है, ज्यादा भी हो सकता है, मतलब कि परसेंटेज आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ भाई आज मैं आ रखा हूँ नवा नगर, जो कि है नियर बद्दी, जो मेरे भाई बंधु इधर रहते हैं पिंजौर, कालका, पंचकूला, चंडीगढ़, उन्हें लोकेशन पता ही होगा, नहीं तो भाई इधर वर्ल्ड फेमस गोरखनाथ जी का मंदिर भी है, इसी बात पे जय बाबा गोरखनाथ जी, इधर भी आप लोग आ सकते हैं। और अगर इधर आएंगे आगे ही आपको हमारी बिजनेस वेंचर भी दिख जाएगी। अब जल्दी से उधर चलते हैं, बाकी आप कार में देख सकते हैं भाई सामान वगैरह कैसे लोड कर रखा है, तभी तो मैं आजकल भाई स्कॉर्पियो ही लेके जाता हूँ। बाकी तो लोकेशन की बात करें ना, ये है आपका बद्दी हाईवे, इधर की साइड अगर आप जाओगे पिंजौर वगैरह आ जाते हैं, सीधा आप जाओगे क्या आ जाते हैं अनंतपुर साहिब ना, मतलब वो नालागढ़ वाला रास्ता आ जाता है ये, इधर से आप मनाली वगैरह की तरफ भी निकल सकते हैं, जो इधर लोग रहते हो इधर से जाते हैं, चंडीगढ़ होके नहीं रहते हैं। एंड ये है HP पेट्रोल पंप, इसी के बिल्कुल सामने आपके भाई का न्यू बिजनेस है। एंड एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो ये बद्दी हाईवे है ना भाई, ये इन मेकिंग है, मतलब कि अभी जो ये रोड्स वगैरह हाईवे वगैरह बन रहे हैं, जो ये वाली रोड है ये भी इस हाइट पे आ जाएगी, तभी जो आपको हमारी साइट है थोड़ी सी ना नीचे लग सकती है रोड के एज कम्पेयर टू जो सामने वाली होगी, बट हाँ इन फ्यूचर लेवल हो जाएगा तो एक ही बातचीत बन जाएगी, क्योंकि भाई जो ये जगह है ये है डेवलपिंग स्टेट पे, मतलब कि ना टायर 2 टायर 3 आप इसे बोल सकते हैं, बट आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट इधर हो रही है। एंड अगर जिन्हें नहीं पता भाई, बद्दी एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल मार्केट है, और इसी के साथ साथ भाई अपना ठिकाना आ चुका है। अभी तो इधर जोरों शोरों से काम चल रहा है, बहुत सारा काम कंप्लीट भी हो चुका है, तो आज मैं आपको बिल्कुल ही इन डिटेल रिवील कर देता हूँ, और जो इधर बंदे हैं उनसे भी मिलाता हूँ भाई कि क्या क्या काम चल रहा है। चलो यार अब फाइनली स्टार्ट करते हैं कि भाई हम है कहाँ पे। वैसे आप ये जगह देख सकते हैं, ये सारी जगह अभी तो खाली पड़ी। आप कह रहे हो भाई आपने बिजनेस खोल दिया, ये बिजनेस कैसा खोला है भाई, जो ये वाली जगह है ना इन फ्यूचर इस पे भी हम काम स्टार्ट करेंगे। तभी मैंने आपको ना बहुत पहले भी बताया था कि ऐसी चीज खोल रहे हैं ना कि कार से रिलेटेड ना सारा काम आपका एक ही जगह पे हो जाएगा। बट अब बात करें जो ओपन हुआ है वो है ये, वैसे ओपन नहीं हुआ, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई एक्साइटमेंट में। इधर आप पढ़ सकते हैं डिटेलिंग जिला, जी हाँ आपके भाई ने न्यू डिटेलिंग स्टूडियो खोला है जिसका नाम है डिटेलिंग जिला। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट आपको लगेगा, तो मैं पहले बता देता हूँ भाई, जब हम ग्रैंड ओपनिंग की वीडियो करेंगे ना उसमें आप देखना, जब आपको समझ आएगी चीजें कैसी थी और कैसी हो चुकी हैं, क्योंकि उसमें ना मैं पुरानी क्लिप्स भी डालूंगा। जब ये जगह हमने ली थी बिल्कुल ही खंजर थी, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कबाड़ थी। एंड अब ना अंदर चलते हैं, देखते हैं भाई अब कैसी हो चुकी है। बट यस, इधर आप देख सकते हैं ऊपर हमने फ्लेक्स लगाया है, इधर 2 फ्लैक्स हमने लगाए हैं, बाकी जो फ्लैक्स हैं रोड वगैरह पे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रोड्स वगैरह ना इधर प्रॉपर नहीं है, तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट उधर भी करनी पड़ेगी, तभी लोगों को पता चलेगा कि भाई इधर कुछ खुला है। एंड बाकी तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना सोशल मीडिया पे भी मैंने कुछ नहीं रिवील करा भाई, कुछ भी जो रिवील करा, जैसे पेज बनाया उसमें भी अपने अकाउंट से मतलब शाउट आउट नहीं दिया कि कोई भाई बंधु फॉलो कर लें। एंड मैं आप सबको ना यही कहूँगा भाई, मेरा ना हमेशा से यही मानना है कि कभी भी ना मैं फेक फॉलोअर्स नहीं डालता। अक्सर इंस्टाग्राम पर ना ऐसा होता है, और ये डार्क रियलिटी है, कोई भी जैसे बिजनेस पेज खोलते हैं ना बंदे फेक फॉलोअर्स डाल देते हैं, क्योंकि सामने वाले को जैसे हम ऑडियंस है हमें ऐसा लगे कि वाओ इनके तो जान पहचान ज्यादा है मार्केट में। बट मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे आप सब पे बिलीव है कि आप भाई सपोर्ट दिखाओगे, मैं हमेशा से ऑर्गेनिक ग्रोथ में ही बिलीव करता हूँ। बट एनीवे बहुत बातें हो चुकी हैं, चलते हैं। बाकी डिटेलिंग जिला का इंस्टाग्राम आ रहा होगा भाई, उसे आप फॉलो जरूर करना। एग्जैक्टली हमें नेम मिल चुका है, रजिस्ट्रेशन भी हमारी हो ही जाएगी इजिली, मतलब कि ट्रेडमार्क रजिस्टर की मैं बात करूँ। एंड अब जगह की बात करें ना, जो ये वाली जगह है ना ये है हमारी सर्विस लेन, इधर तक ये देख लो, इधर तक ना हमारी सर्विस लेन आ जाएगी, तो इधर तक ना जगह सारी हमारी है। अभी इस पे हम फर्श डलवाएंगे, जो ये सामने है ये है पहला स्टूडियो, मतलब ये सारा ना स्टूडियो ही है, इधर 2 शटर आपके लग जाएंगे। अभी स्टूडियो में भी काम हो रहा है, टाइल्स वगैरह लग रही हैं, कैमरामैन आगे आते रहो, आते रहो आते रहो आते रहो आते रहो आते रहो, इधर टाइल्स वगैरह लग चुकी हैं। इधर जो काम कर रहे हैं ये है रंजीत भैया, ये हमारा इलेक्ट्रीशियन का सारा काम संभाल रहे हैं, ये देख लो बिल्कुल मेहनत से भैया लगे हुए हैं, इधर देख नहीं रहे शर्मा रहे हैं। अब हम अंदर आ जाते हैं,
अंदर आप देख सकते हो भाई, ये हमारा स्टूडियो एरिया रहेगा। इधर थोड़ी लाइट्स की अभी आपको दिक्कत लग रही होगी, बट जब ओपनिंग हो जाएगी, जब आप कहोगे भाई इतनी सारी लाइट्स क्या कर रहे हो, ये आप क्या करना चाहते हो, बाकी तो हाँ ऐसा कुछ है भाई। अभी वही जैसे मैंने आपको बताया इनकम्प्लीट है, तो भी आपको शायद समझ ऐसे ना आए, इधर भी मतलब टाइल्स वगैरह लगेंगी। एंड इसके साथ साथ हम आ जाते हैं साइड में। ओहो शोर शराबा बहुत है भाई इधर, बट हाँ आ जाओ कैमरामैन। ये होएगा भाई हमारा ऑफिस, ऑफिस कम कस्टमर लाउंज, मतलब कि टेबल वगैरह। वही जब फाइनल वीडियो आएगी तब आपको इन डेप्थ समझ आ जाएगा, इससे हम ऑफिस बना देंगे, बढ़िया रहेगा। और अभी ना आप किसी के साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि वीडियो में ना आप एंड तक बने रहो, इन डिटेल बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं। बाकी तो इधर मेन बंदे आ चुके हैं जिनकी वजह से सारा काम हो रहा है, ये है तरसेम भैया। भैया कैसे हो? बढ़िया जी, आप सुनाएं। शर्मा रहे हैं कैमरे के सामने, बट भाई जो सारा काम हो रहा है सिर्फ और सिर्फ भैया की वजह से ही हो पा रहा है। और जो ये वाला आप एरिया देख रहे हो ना, ये अभी इनकम्प्लीट है, इस पे फर्श वगैरह डलेगा। ये है हाइड्रोलिक लिफ्ट, जब कार वॉशिंग के लिए आती है ये ऊपर कर देती है, आपको पता ही होगा। और ये वाला भी सारा, मतलब कि ये अभी थोड़ा ना ओल्ड स्कूल वाला बन रखा है, इसे हम प्रॉपर रेनोवेट कराएंगे, क्योंकि हमने पहले सोचा था कि स्टूडियो रेनोवेट कराएंगे फिर इस पे आएंगे, ठीक है। बाकी इधर एक और बंदे हैं विनोद जी, हेलो बोल दो। हेलो जी, सही हो? बढ़िया बढ़िया जी। ये है विनोद जी, ठीक है। अब ऐसा कुछ है भाई, ओवरऑल हमारा एरिया इधर तक ना सारा फर्श ही डलेगा, जो ये वाला एरिया है। और अभी आप देख लो, कैमरामैन इधर घुमा दो, जिसे कहते हैं ना भाई बिल्कुल ही रंग रूंग पूरा इसका बदल देंगे आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम से मेरा मतलब है भाई हार्डली 2 से 3 दिन, क्योंकि ना पहले हमारा यही प्लान था कि फर्स्ट नवरात्र पे ओपन कर देंगे, बट वो यार अगर आप कोई काम छेड़ते हो और वो भी बड़े स्केल पे, तो टाइम का ना बड़ी बाउंडेशंस वगैरह हो जाती हैं, कभी कुछ काम आ जाता है कभी कुछ काम आ जाता है। हमारे सीन में भी ना ऐसा ही हो रहा है, मतलब कि पहले ना जो शटर है ना जो हम दूसरा लगवा रहे हैं, वो ऐसा था नहीं, तो नॉर्मल गेट था। फिर हमने सोचा एक ना बढ़िया सी लुक ना शटर डाल के आएगी, तो शटर में ही आने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे। बाकी अभी फ्लोरिंग का काम पड़ा हुआ है, एंड मेन तो जो मुझे अभी खटकता है, स्टूडियो हमारा बढ़िया लगता है, ऑफिस एरिया भी बढ़िया लगता है, जो उसके साइड वाला एरिया है ना वो सारा भाई। अभी चक्कर यही है कि अभी हमने ना ठेके पे दे रखे हैं कि भाई वॉशिंग वगैरह चलती रहे, नॉर्मल जो देसी वाली पहले से चली आ रही है, अब कल से वो भी बंद हो जाएगी, फिर जो वाला एरिया ना वो बिल्कुल ही हम चमका देंगे, जैसे स्टूडियो चमक रहा है ना अभी हमारा। वैसे अभी आई नो स्टूडियो में भी गंद पड़ा हुआ है, बट हाँ आई होप आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। एंड इसके अलावा प्रोडक्ट्स वगैरह की बात करें, वो भी मैं सारे आपको जब ओपनिंग होगी तभी बताऊंगा भाई। सारे इंपोर्टेड, मतलब कि जाने माने प्रोडक्ट्स ही हम यूज़ करेंगे। एंड मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, जो हमारी प्राइसिंग रहेगी ना वो औरों के मुताबिक कम रहेगी। अब आप कहेंगे भाई कम रहेगी तो मतलब चीप क्वालिटी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करोगे, नहीं। अब मैं आपको वो समझाता हूँ कैसे कम रहेगी। जो एरिया है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डेवलपिंग स्टेट पे है, जो हमने जगह ली है, जो इसके एग्रीमेंट कराया है, जो हमें रेंट पड़ा है ना, वो एज़ कम्पेयर टू चंडीगढ़ वगैरह बहुत ही ज़्यादा कम पड़ा है। मान लो चंडीगढ़ में अगर 3 लाख रेंट है ना, तो हमारा 1 लाख है। ये जस्ट मैं आपको ना एक रैंडम फिगर बता रहा हूँ कि इतना कम पड़ा है। अब ऐसी ऐसी चीज़ें और भी हैं, जैसे रेंट कम पड़ेगा, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब चीज़ें हल्की फुल्की ना एज़ कम्पेयर टू चंडीगढ़ वगैरह कम पड़ेगी। तो हमने यही सोचा भाई कि प्रोडक्ट्स तो हम अच्छे यूज़ करेंगे, बट जो फाइनल प्राइस होता है ना कोटिंग का, पीपीएफ वगैरह का, वो एज कम्पेयर टू अदर्स थोड़े बहुत ना कम ही रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कॉस्टिंग हमारी कम आ रही है। तो ये हमारे कस्टमर्स को बहुत ही बड़ा फायदा मिल जाएगा। वैसे आई नो मेरे बहुत भाई बंधु बद्दी की साइड रहते ही हैं, अगर भाई आप इधर से क्रॉस कर रहे हो विजिट जरूर करना। एंड जो भाई दूर रहते हैं, कभी आप घूमने आओगे हिमाचल की साइड, तो विजिट जरूर करना। इन शॉर्ट आपके सपोर्ट की भाई बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया भाई कोई फेक फॉलोअर्स ये वो चीज़ों में मैं नहीं मानता हूँ, जो है आप सबका प्यार है, आप सबका प्यार है। तभी हमने सोचा कि भाई ये चीज़ हम ओपन करते हैं, यानी कि डिटेलिंग स्टूडियो अपना ओपन करते हैं। एंड कमेंट सेक्शन में ना नाम जरूर बताना भाई कैसा लगा आपको, डिटेलिंग जिला, इंग्लिश में हम जिला बोल देंगे, जैसे लड़कियां वगैरह आती हैं, ओ वाओ नाउ आई एम हेयर इन डिटेलिंग जिला, जैसे हमारे से देसी बंदे हो गए थोड़ी गांव देहात के हो गए, वो बोल देंगे भाई डिटेलिंग जिला आ रखे, अपनी स्विफ्ट मॉडिफाई कराने, फॉर्च्यूनर मॉडिफाई कराने, वो वाली बात हो जाएगी, जिला भी जिला भी। एंड बाकी तो यार जो आप ये लोगो देख रहे हैं ना, ये आपके भाई ने खुद डिजाइन करा है, ये भी जरूर बताना आपको कैसा लग रहा है कैसा नहीं। नाम से लेके लोगो डिजाइनिंग, जो स्टूडियो है इसकी डिजाइनिंग, ये सारी भाई मैंने खुद से करी है। आप थोड़ा बहुत अप्रिशिएट भी कर दोगे ना, मतलब मैं कह नहीं रहा करो, बट अगर कर दोगे बहुत ही खुशी मुझे मिलेगी। और वो देख रहे हो कंप्रेसर, जो हमारी मेन यूएसपी रहने वाली है ना, हम पे हाइड्रोलिक लिफ्ट भी होगी, जैसे कि कार पूरी हमने ऊपर चढ़ा दी, डीप क्लीनिंग नीचे से भी हो जाएगी, जैसे कोटिंग वगैरह होती है ना नीचे की, साइलेंसर कोटिंग होगी, वो सब मैं सीरियसली बता रहा हूँ भाई, जो सर्विस आपको इधर मिलेगी नेक्स्ट लेवल मिलेगी, कोई कॉम्प्रोमाइज आपको क्वालिटी में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। बट अभी बीच में ना आपने कट नोट करा होगा भाई, फोन आया था, सबसे जो मेन दिक्कत आ रही है ना काम में वो आती है लेबर की, यार लेबर ही इधर उधर हो जाती है। लास्ट टाइम जब ये टैटू वाली वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बताया था हम लेबर लाए थे और वो भाग गई थी, नशेड़ी लेबर थी वो वाली भाई, इतना गुस्सा आया था ना उस दिन। और आज भी
कॉल पे बात हुई, वो यही कह रहे थे कि दूर पड़ता है, क्योंकि जो एरिया है ना चंडीगढ़ से ना 20 किलोमीटर आउटस्कर्ट्स में है, तो वो थोड़ा सा फैक्ट रहता ही है लेबर्स वगैरह के लिए भी। अब इधर की लेबर की बात करें, उन्हें ये वाला काम आता नहीं है, मतलब बहुत चीज़ें हैं यार। और सीरियसली भाई, एक से दो महीने से ज़्यादा ही हो रखा है, इतनी मेहनत जा रही है ना इस काम पे। आई नो अभी शायद आपको नहीं लग रहा हो कि भाई क्या मेहनत है ये वो, एक बार ग्रैंड ओपनिंग की वीडियो आएगी जब आपको समझ आएगा कि भाई ये हमने क्या खोला है। भाई बहुत ही पैसे लगे हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, एंड पैसों की बात हो ही रही है, कोई भी हमने लोन वगैरह नहीं लिए, जो सेविंग्स हैं वही, जिसे कहते हैं ना आजकल शार्क टाइम में बूटस्ट्रैप हमारा बिजनेस रहेगा, वो वाली बातचीत आएगी। तो अगेन मैं बोलूँगा, बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप सबकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। भाई हमने मतलब कि स्टार्टिंग में ना एक बजट सेट करा था कि भाई इतने पैसे सेविंग में हैं, इतने लगाने हैं, और उससे ज़्यादा ही लग रहे हैं, बट ठीक है अब काम स्टार्ट कर दिया है पूरी, जैसे कहते हैं ना मार्केट में भाई मौज मस्ती बांध देंगे, मज़ेदार काम होएगा। तो यस, एट लास्ट में ये कहूँगा भाई, ज़रूर बताओ आपको हमारा ये न्यू बिजनेस, न्यू प्रोजेक्ट कैसा लगा, कैसा नहीं। कैमरे वगैरह भी हमने लगाई दिए भाई पहली सिक्योरिटी के लिए। एंड बात आ जाती है भाई, जो खाली जगह पड़ी है उधर हम काम शुरू करेंगे, कार सर्विसेज का, स्पेयर पार्ट्स का, स्क्रैप का, मतलब कि जब वो खुलेगा ना वो भी बहुत ही अमेजिंग काम हम छेड़ेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था भाई, अंडर वन रूफ ऑलमोस्ट सारा काम हो जाया करेगा कार से रिलेटेड। तो बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मेन पर्पस अगेन यही था कि भाई रिवील कर दें क्या काम कर रहे हैं। ग्लिम्स वगैरह मैंने आपको दिए, लिटरली भाई ये ग्लिम्स ही है, एक बार सब कुछ काम रेडी हो जाए ना तो मौज आ जाएगी। फिलहाल मुझे बस एक ही टेंशन है भाई लेबर की, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रखा है। अब इन डिटेल वही है, क्या बताऊंगा, मोटा मोटा मैंने आपको बता ही दिया, अब देखते हैं क्या होता है भाई, भगवान भरोसे है सब कुछ, पहले नवरात्रे पे सब कुछ सही हो जाए तो बढ़िया है, वेल एंड गुड है। बट हाँ, फिलहाल के लिए वेल एंड गुड हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि इससे ना थोड़ी सी मोटिवेशन और आ जाएगी भाई। एक तो छन छन बहुत करता है हमारा डोरेमोन, बट ठीक है, मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।